अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज़ ग्रूमिंग एसेंशियल्स, जो कि गर्ल्स के पास होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिटरली इनकी वजह से लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, और ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ही रिजनेबल और अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आपको सारे के सारे मिल जाते हैं। चले नहीं तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आ जाती है हेयर रिमूवल किट, ये बड़े से लेकर छोटे तक सबके लिए ही काम आ जाती है। मेरे पास ब्रॉन्ज की 3-in-1 हेयर रिमूवल किट है, तो मैं आपको बता नहीं सकती इट्स टू गुड। सबसे पहले जो आपके पास इसमें चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है आपका एपिलेटर, एंड इट इज़ यूज टू रिमूव द अनवांटेड हेयर फ्रॉम योर लेग्स एंड आर्म्स, इवन द नेस्ट हेयर फ्रॉम द रूट। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टू डिफरेंट स्पीड्स हैं फॉर टू डिफरेंट हेयर टाइप, एंड आई रिकमेंड यू गाइस कि आप इसको ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि जो री ग्रोथ ऑफ हेयर होती है उसको बहुत स्लो कर देता है और फाइनल कर देता है। जैसे कि मैं आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के बाद एटलीस्ट आपके 4 वीक्स तक जो है अनवांटेड हेयर नहीं आते, और वापस जब उनकी री ग्रोथ होती है तो वो काफ़ी कम होती है। जिनके हेयर कम होते हैं वो उसको 1 in a month यूज़ कर सकते हैं, और जिसकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है वो इसको 2 in a month यूज़ करें। देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और एपिलेटर, जो कि फेशियल हेयर के लिए यूज़ होता है। वो इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ब्लेड लगा हुआ होता है। कैन यूज़ इट एज अ ट्वीज़र, दिस इज़ फॉर द थिक हेयर जो आपके फेस पर कहीं कहीं आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर। तो इसकी खास बात यह है कि इसको आपको 4 दिन करना पड़ता है। इसके अंदर 2 सेल डलते हैं, और कोई भी नॉर्मल सेल आप इसके अंदर डाल सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये वेटलेस भी है, तो इसको आप इजीली कहीं पर भी अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट थिंग आ जाती है शेवर। इसके अंदर होती है हमारे पास इलास्टिक शेविंग हेड विथ फॉइल, और आप देख सकते हैं इसके अंदर होता है 2 इंटीग्रेटेड लॉन्ग हेयर ट्रिमर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर एक्टिव मसाजिंग सिस्टम होता है, जो कि आपकी स्किन को स्मूथ करता है। इसको यूज़ करने के लिए आपने एपिलेटर वाला हेड हटाना है और उसकी जगह ये वाला फिक्स कर लेना है। इट इज़ रियली ईजी टू यूज़। देन इसमें हमें एक चार्जर मिलता है जो 40 मिनट्स में आपका एपिलेटर चार्ज कर देता है, और एक हेयर रिमूवल पैड मिलता है। देन हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट थिंग, दिस इज ऑल्सो एपिलेटर, बट दिस इज़ फॉर नोज हेयर एंड इट हैज़ स्मॉल ब्लेड्स। If you want to remove the nose hair, so this device is for you. It has chargeable port, और ये बहुत handheld device है, आप इसको अपने साथ रख सकते हैं और इससे आप ear hair भी remove कर सकते हैं। फिर आ जाती है girls favorite manicure kit। ये हर किसी के पास होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत मिनी सी होती है, आप इसको अपने साथ कहीं पर भी कैरी करके लेके जा सकते हैं, और आपको सारी चीज़ें छोटे से मिनी से पाउच में अवेलेबल होती हैं। इसके अंदर आपको मिल जाएंगे 3 types ऑफ नेल कटर्स। इसमें आपको छोटी मिनी सीजर मिलती है, जो कि आप अपनी आईब्रो सेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको कर्व शेप नेल कटर भी इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि नेल्स के कॉर्नर कटिंग के लिए यूज़ होता है। देन इसके बाद आपको इसमें ट्विज़र भी मिल जाएगा। अगर आपके पास दूसरा वाला एपिलेटर ट्विज़र नहीं है, तो आप ये वाला सिंपल प्लेन ट्विज़र भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अंदर आ जाता है डेड स्किन रिमूवर, दिस इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टूल। नेल्स पर जो डेड स्किन होती है, आप इसको इससे रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको रिमूव करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप 1 by 1 अपने सारे नेल्स की डेड स्किन रिमूव कर सकते हैं, इवन आप अपने फीट की भी रिमूव कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपके नेल्स की लेंथ काफ़ी बड़ी दिखती है, और इसी किट में साथ ही आपको ब्लैक हेड रिमूवर भी मिल जाएगा। देन इसके बाद आ जाती है सीजर, जो कि आई थिंक हर किसी के पास ही अवेलेबल होती है, बट दिस इज़ फॉर द हेयर कटिंग। जो गर्ल्स घर में खुद से हेयर कट करती हैं, उनको पता होगा कि बड़ी सीजर यूज़ करने से आपकी कटिंग ख़राब हो जाती है, तो इसलिए आपको जो है इस तरह की शार्प सीजर चाहिए फॉर हेयर कटिंग। फिर आ जाता है आपके पास कॉम, इसको सेलेक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल टास्क होता है। आपको अपने पास इस तरह का 3-in-1 कॉम लेना है। इस तरह के कॉम से आपके हर तरह का हेयर स्टाइल भी बन सकता है। डेली रूटीन में जो आप कॉम करते हैं, आप इसे वो भी कर सकते हैं। इवन के जो लूज कर्ल्स होते हैं, उसके लिए बहुत एसेंशियल होता है। जिनके कर्ली हेयर है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर आपको अपने पास इस तरह की एक पोनी ज़रूर रखनी है, बहुत ज़्यादा काम की होती है। देन इसके बाद आ जाती है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है ट्विकल, और ये आपके फेशियल हेयर रिमूवल के लिए होता है, और इसकी प्राइस भी काफ़ी चीपर होती है। किसी भी मार्केट से या लोकल मार्केट से आप इसको ख़रीद सकते हैं। आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ फॉर द वेरी थिन हेयर। लाइक आप इससे अपने अनवांटेड आईब्रो हेयर रिमूव कर सकते हैं, आप इससे फिंगर हेयर रिमूव कर सकते हैं, फेस पर जो भी अनवांटेड हेयर होते हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं।
इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने इसको उसी डायरेक्शन में यूज़ करना है जिस डायरेक्शन में आपके हेयर होते हैं। फिर आ जाता है लोशन या मॉइस्चराइज़र, या आपकी ग्रूमिंग किट में होना बहुत बहुत ज़्यादा लाजमी है। डेली रूटीन में आप काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन रफ़ एंड टफ़ हो जाती है, तो आपके पास एक मॉइस्चराइज़र होना ज़रूरी है। आप कोई भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। देन आ जाता है थ्रेड, ये भी आपके पास होना बिल्कुल ज़रूरी है। देन आ जाता है हेयर ऑयल, क्योंकि हम डेली रूटीन में अपने स्किन का ख्याल तो रख रहे होते हैं लेकिन अपने बालों का हम ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्किन के साथ साथ अपने बालों का भी अच्छे तरीके से ख्याल रखें। आपको जो भी ऑयल सूट करता है आप अपने पास वो रख सकते हैं। देन आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शैम्पू। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसका लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको कौन सा सूट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा सूट, इसलिए आपने इसका भी सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो आपको सूट करता है आपने वो वाला ख़रीदना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।